राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल पार्टी महासचिव रविंद्र जठेड़ी की अगुवाई में आगामी 14 अप्रैल को सोनीपत में पहुंच रहे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंप कर किसान सत्याग्रहियों की मांगों को तत्काल स्वीकार करने व जातिगत आरक्षण सरीखी कुनीति और कुरीतियों को खत्म करने की मांग करेगा। जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव रविंद्र जठेड़ी ने कहा कि लंबे समय से लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से जारी किसान आंदोलन की अनदेखी करना जनहित और राष्ट्रहित में नहीं है, लेकिन जातिगत आरक्षण को बढ़ावा देने वाली राज्य और केंद्र सरकार अब भी वैश्विक षड्यंत्र के दबाव में देश की जनता को भ्रमित और गुमराह कर जनता पर अनावश्यक कानून और बाध्यताएं थोप रही है। राज्य और देश में अपराध, भ्रष्टाचार, बेईमानी, महंगाई, बेरोजगारी आदि चरम पर है। शिक्षा व चिकित्सा को लाभ कमाने की वस्तु बना दिया गया है। निजीकरण से साम्राज्यवादी शोषण को बढ़ावा देते हुए योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी की जा रही है। संविधान में आरक्षण की जिस व्यवस्था का प्रावधान स्वयं संविधान निर्माताओं ने केवल 10 वर्ष के लिए किया था, उसे मौजूदा सरकार और सत्तासीन पार्टी भी जाति दर जाति, क्षेत्र दर क्षेत्र और समय दर समय बढ़ाते हुए आज तक जारी रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर जिम्मेदार शासन प्रशासन के प्रति जनता में भयंकर आक्रोश व तनाव है। इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर सोनीपत पहुँच रहे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को RJAVP का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंप कर वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए जन समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मिलकर ज्ञापन सौंपने हेतु प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्टी कार्यकर्ता 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे सत्याग्रह स्थल मिनी सचिवालय परिसर सोनीपत में एकत्र होंगे। यूपी ईस्ट से ब्यूरो चीफ सुमित यादव की रिपोर्ट, सिटी रिव्यू 24 न्यूज।